हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बाउंड ऑफ एन ऑर्डर फील्ड, कोई भी ऑर्डर फील्ड है उसके हम बाउंड पढ़ेंगे, या सेट है, या ऑर्डर फील्ड बोलो या सेट है, कोई भी है तो वो बाउंड क्या होगा। देखो, इसमें दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अपर बाउंड के बारे में समझाऊंगा। अपर बाउंड को हिंदी में बोलते हैं ऊपरी परिबद्ध, बिल्कुल सिंपल है, एक क्रमिक क्षेत्र, ये ऑर्डर फील्ड एफ। मैंने आपको ऑर्डर फील्ड के बारे में बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, ये ऑर्डर फील्ड भी कह सकते हैं या इसकी ऑर्डर फील्ड की जगह कोई भी रियल नंबर का सेट भी हो सकता है। उसका एक अवयव है के, या मैं टेक्निक ध्यान रखना कैपिटल के ले रहा हूं, के नॉन एम्प्टी सबसेट एस, यानी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी हमारा एस जो होगा वो क्या होगा, एफ का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये S का जो K है वो S का क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। यदि S के प्रत्येक अवयव, यानी जो S क्या है, इस F का क्या है, सबसेट है, तो उसके प्रत्येक अवयव जो K है, K से कम अथवा बराबर हो, K सबसेट का भी एलिमेंट हो सकता है ध्यान रखना, और वो अपना F या रियल नंबर का भी सेट हो सकता है। तो ये जो X है वो लेस देन इक्वल टू K, Every x belongs to s, ये ध्यान रखना, यानी s के हर एलिमेंट्स क्या हो, ये जो नंबर होगा k से क्या हो, छोटे हो, तब ये हमारा k है, ये s का क्या कहलाएगा, ऊपरी बाउंड कहलाएगा। वापिस समझ लीजिए, यदि x है वो s का एलिमेंट है, तो s के सारे एलिमेंट्स यदि k से क्या हो, स्मॉल हो, छोटे हो, तो ये जो k है वो क्या होगा, s का ऊपरी परिबद्ध, यानी क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो सेट S है वो क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड अबव होगा। और ध्यान रखना, कोई भी सेट है उसका बाउंडेड अबव, यानी कोई भी एलिमेंट है वो एक से अधिक भी बाउंडेड हो सकते हैं, या कहने का मतलब है एक कोई भी सेट है अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसके इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, बाउंडेड सेट हो सकते हैं। और अभी एक एग्जांपल ले लूंगा, उसके बाद में आता है लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, इसको बोलते हैं न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध या उच्चतर। कोई भी अगर सबसेट है एस और वो अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनका जो सेट होगा उनका जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो आपका क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। और इसको LUB से लिखते हैं, LUB यानी लीस्ट अपर बाउंड। और मान लो वो अल्फा है, यानी जो अपर बाउंड्स है उनका जो सेट है उसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, उस सेट S का क्या होगा, LUB होगा, उसको क्या बोलते हैं, उच्चतर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सुप्रीमम S, यानी S जो सबसेट होगा वो, और अगर वो बाउंडेड अबव है या अपर बाउंड है तो उसका जो न्यूनतम एलिमेंट है मैंने यहाँ क्या लिया, अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, सुप्रीमम S होगा। अब मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। ये एक सेट है 1, 3, 5, 7, 9, और ये फाइनाइट सेट है, तो ये देखिए 9 है। अभी डेफिनेशन क्या बताई, x बिलोंग्स टू S, एवरी x लेस देन इक्वल टू k, यानी देखिए ये k हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 9 हुआ। तो जो भी एलिमेंट है जैसे S के, जैसे 1 9 से छोटा है, 3 भी 9 से छोटा है, 5 भी 9 से छोटा है, और 7 भी 9 से छोटा है, तो हमारा ये क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, ये जो सेट है वो बाउंडेड अबव हो गया। और बाउंडेड अबव है तो अपर बाउंड क्या हुआ, 9 हो गया। अगर मैं LU की बात करें तो केवल एक ही एलिमेंट है वो क्या है, ये सेट S से बड़ा है, तो इसका मतलब जो सुप्रीमम S है इसका वो हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार हम कोई भी सेट से हम अगर वो बाउंडेड अबव या उसका एलयू भी है तो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।